अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन, आज का हमारा टॉपिक है रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जिनमें दोबारा दोबारा वो नंबर रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग की ये काइंड है रिकरिंग डेसिमल। इसके अंदर क्या होता है कि डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 45 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 2 / 3। हमने क्या करना है, 2 को अंदर रखना है और 3 को हमने बाहर रखना है, ठीक है। हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। 3 के टेबल में 3 6 18, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोबारा हमारे पास 2 आता है, फिर 0, क्यों पॉइंट लगा हुआ है इस वजह से हमारे पास 0 आ जाएगा। दोबारा हम करेंगे 3 6 18, ठीक है। अब दोबारा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, तो 3 6 18। इस तरह ये देखें, ये दोबारा दोबारा ये नंबर जो है रिपीट होता जा रहा है, तो ये 0.666 ये रिकरिंग डेसिमल है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3 / 11। 11 बाहर रखा, 3 अंदर रखा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाया। 11 के टेबल में 30 से छोटा नंबर 22 होता है, ठीक है। 22 आ जाएगा, माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 30 में से 22 सब्ट्रैक्ट किए, 8 और पॉइंट लगा हुआ है तो इस वजह से 0 आ जाएगा, तो 7 10 77। अब दोबारा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे ये इसमें से 80 में से 77 गए, 3 आ जाएगा और पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा, तो ये दोबारा 2 आ जाएगा, क्यों 22। अब ये इसी तरह चलता जाएगा, 0.27 27 27, तो ये रिकरिंग है, इस वजह से इस तरह ही हम बार बार नंबर रिपीट होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आपने क्या करना है, 8 / 11, 8 को अंदर रखना है, 11 को बाहर रखना है, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 7 77, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें, हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर 0, 2 22, दोबारा सब्ट्रैक्ट करें, 8 0, फिर हम 7 से करेंगे 77, इस तरह ये चलता जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 10.72727, ठीक है। आपने इसी तरह बाकी पार्ट्स खुद करने हैं। थैंक यू एंड अल्लाह।